पंचकुला के सेक्टर 9 के निजी क्लब के बाहर 6 युवकों ने 2 युवतियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक युवती के सर पर कड़े से वार किया गया, जबकि दूसरी युवती के पैरों पर युवकों ने गाड़ी चढ़ा दी। दोनों युवतियों को उपचार के लिए पंचकुला सेक्टर 6 के अस्पताल में दाखिल कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवतियां सेक्टर 9 के एक निजी क्लब में पार्टी करने के बाद बाहर आई कि तभी दो गाड़ियों में 6 युवक आए और युवतियों के साथ जबरदस्ती करने लगे। युवक युवतियों को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन जब युवतियों ने इसका विरोध किया तो एक युवती के सिर में कड़ा मार कर उसको घायल कर दिया गया, जबकि दूसरी युवती को धक्का मार कर जमीन पर गिरा दिया गया और उसके बाद उसके पैरों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इसके कारण युवती के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। दोनों घायल युवतियों को उपचार के लिए पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में दाखिल कराया गया। सेक्टर 10 की चौकी इंचार्ज जगदीश चंद ने बताया कि हमने दोनों युवतियों के बयानों पर केस दर्ज कर लिया है, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंचकुला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। बताएंगे, दो युवतियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है और मारपीट भी हुआ, सर क्या मामला है सर? हमारे पास सूचना आई थी, जिस पर हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और अनुसंधान जारी है, आरोपियों की तलाश जारी है। गाड़ी है, उसका नंबर आया था और उसकी तलाश जारी है, लेकिन उसका नंबर पूरा नहीं है, अधूरा नंबर था। फिर भी CCTV कैमरे और सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं, जैसे ही पता लगेगा आरोपियों का तो तुरंत गिरफ्तार करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सर क्या बताया युवतियों ने, क्या हुआ था? युवतियों ने ये क्या बताया कि हम रात को क्लब में पार्टी करने आई हुई थी और वो लड़के भी हमारे साथ थे और उन्हें जानकार नहीं थे, उनके नॉन थे, पंजाब साइड के लड़के हैं, उनके बारे में तलाश जा रही है। ठीक। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।